तो भाई लोग स्वागत है आप सभी लोगों का WWE 2K24 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना, एक तरफ मैंने टीम ओमिनी मैन को रखा है और दूसरी तरफ मैंने रखी है टीम वेनम। जहां दोस्तों मैंने टीम ओमिनी मैन में ना तीन फेस सुपरस्टार लिए हुए हैं, वहीं दोस्तों टीम वेनम में मैंने तीन हील कैरेक्टर वाले सुपरस्टार लिए हुए हैं। यानी कि दोनों ही टीमों में सुपरस्टार्स बहुत ही जबरदस्त हैं और ये आठों सुपरस्टार बहुत ही जबरदस्त हम लोगों को मैच देने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टैग टीम एलिमिनेशन मैच और देखते हैं फिर आज के हमारे इस एलिमिनेशन मैच में ना टीम वेनम ओमिनी मैन को एलिमिनेट करेगी या फिर टीम ओमिनी मैन टीम वेनम को एलिमिनेट करेगी। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना ये मैच। और देखो दोस्तों, जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है ना, आप लोगों को क्या करना है, जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जो लोग लाइक करना है तो उनको करना ही है। ठीक है, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई, आज के हमारे इस मैच में ना इन दोनों सुपरस्टार्स की टीम में से कौन सी टीम जीत सकती है भाई, टीम ओमिनी मैन यानी कि टीम फेस सुपरस्टार वाली या टीम वेनम यानी कि टीम हील सुपरस्टार वाली भाई। और जिस भी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, आप लोग मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल फेस करेंगे एक दूसरे को, सबसे पहले कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन। पहले फिनिशर लगा दिया रैंडी ने बहुत अच्छा, लेकिन सुपर फिनिशर का इस्तेमाल नहीं किया ना, यहीं पर कोडी रोड्स बच गए, वरना सुपर फिनिशर लगा देते तो नहीं भाई, कोडी रोड्स का एलिमिनेशन कर दिया। कोडी रोड्स तो एक ही आरक्यू में चले गए यार, इतनी जल्दी कैसे। देखो जब से 2K ने अपना नया अपडेट दिया है ना, तब से मुझे लगता है कि 2K ने इस तरह के मैचों में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी है जिससे कि सुपरस्टार एक फिनिशर लगने के बाद किकआउट नहीं कर रहा है भाई। देखो यहाँ पर तो OTC ने बचा लिया ना, वरना मुझे लगता नहीं कि वाइपर भी किकआउट करते करके इस मैच में। ओमिनी मैन ने एक काम बड़ा अच्छा कि सुपर फिनिशर का इस्तेमाल करके रैंडी को लगभग उतना डैमेज कर दिया है ना कि अब ओमिनी मैन की टीम से अगर कोई एक सुपरस्टार आके भी वाइपर को एक फिनिशर कनेक्ट कर देता है तो मुझे लगता है कि वाइपर इस मैच से एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन यार अमेरिकन नाइटमेयर की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब रही इसमें, क्योंकि पहले ही फिनिशर में यार वाइपर ने जबकि सुपर फिनिशर का भी इस्तेमाल नहीं किया था आज, उसके बावजूद भी एलिमिनेट कर दिया अमेरिकन नाइटमेयर को। चल कोई नहीं भाई, रैंडी अपने कॉर्नर पे जाके किसको, वेनम को। बहुत अच्छा भाई, देखो वेनम और ओमिनी मैन ये दोनों सुपरस्टार रिंग के आमने सामने आए हैं ना, तो मुझे लगता है कि वेनम अब फिनिशर लगाएंगे, लेकिन अभी तो ओमिनी मैन से मार खा रहे हैं भाई वेनम। देखो जहाँ ओमिनी मैन एक अल्टीमेट फेस सुपरस्टार है ना, वहीं वेनम एक अल्टीमेट हील सुपरस्टार है भाई। अब इनको जब भी मैं अपनी वीडियो में लाऊंगा ना, तो वेनम को हमेशा हील सुपरस्टार के तौर पर ही आप लोग रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, वैसे ओमिनी मैन को आप लोग फेस सुपरस्टार मान सकते हो, क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसी कोई भी हरकत नहीं की ना हील वाली। वैसे भी सुपर हीरो कैरेक्टर है भाई, और वेनम तो अपना आप लोग जानते हो कि सुपर विलन है ही, तो इसको फेस सुपरस्टार तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। लेकिन वेनम के पास फिनिशर है यार, इतने अच्छे अच्छे फिनिशर मैंने वेनम को दे के रखे हैं, लेकिन नहीं, वेनम ये नहीं कि सुपर फिनिशर लगाऊं अपना। और सुपर फिनिशर भी एक स्टार्टिंग वाला है इसके पास, चाहे तो वेनम ओमिनी मैन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ओमिनी मैन सीना को टैग, बहुत अच्छा, सीना के पास भी सुपर फिनिशर है, तो मुझे लगता है कि आज वेनम का एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वाइपर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा अभी स्टोन कोल्सन, अच्छा बड़े लगा दे, सुपर किक लगा, सीना के फिनिशर को रिवर्स नहीं होना चाहिए, वरना ओमिनी मैन रिवर्स कर दिया यार। बेचारे सीना की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमेशा सीना जब अपना फिनिशर लगाने जाते हैं ना कुछ गड़बड़ हो जाती है हमेशा। सुप्लेक्स बहुत अच्छा, लेकिन कोडी रोड्स यार ऐसे कैसे भाई, इतने जल्दी कैसे एलिमिनेट हो गए। लगा दिया एडिट्यूड एडजस्टमेंट, वेनम अभी किकआउट करेंगे, कोई ना कोई आके बचा लेगा, रैंडी बचा लेंगे, रैंडी ने बचा लिया। वैसे रैंडी को बचाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वेनम ने वैसे भी किकआउट कर दिया था सीना। देखो रैंडी के ऊपर फिनिशर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, अगर फिनिशर का इस्तेमाल करना है तो वेनम के ऊपर, क्योंकि वेनम ही अभी लीगल सुपरस्टार है यहाँ पर, तो वेनम के पास भी तो सुपर फिनिशर ही, क्या कर रहा है वेनम। बहुत अच्छा, बाप रे बाप, कितने दूर कूद गया यार वेनम। अच्छा आज तो अपने फेवरेट रेफरी राधे भैया है ना यहाँ पर, तो काउंट पिनफॉल करवा सकते हैं ये लोग। लगा दी अब पावर बॉम्ब सीना को, देखो सीना के पास अभी एक फिनिशर है क्या, सीना के पास एक फिनिशर है, तो अगर इसे एक फिनिशर का इस्तेमाल वेनम के ऊपर कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सीना वेनम के एलिमिनेशन कर सकते हैं। और वेनम जो कि अपनी टीम के सबसे मजबूत सुपरस्टार है ना, वो अगर मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं तो वेनम की टीम कुछ देर के लिए थोड़ी बहुत लूज पड़ सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अभी तो देखो मात्र ओमिनी मैन की टीम से कोडी रोड्स से एलिमिनेट हुए हैं ना, तो कोडी रोड्स अगर एलिमिनेट हुए हैं तो कोडी रोड्स के जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ओमिनी मैन की टीम को, क्योंकि कोडी रोड्स के जो फिनिशर थे ना वो लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते थे। वेनम के पास फिनिशर है यार, फिनिशर क्यों नहीं लगा रहा वेनम, सुपर फिनिशर भी है वेनम के पास। नॉर्मल तरीके से सीने में पिनफॉल नहीं होगा नॉर्मल तरीके से। देखो वेनम को एक काम कर, स्टोन कोल्ड सर को टैग दे दो यार, स्टोन कोल्ड सर को टैग बनता था, लेकिन नहीं, स्टोन कोल्ड सर को टैग नहीं दिया ओमिनी मैन ने लगा दिया भाई, फिर से लगा दिया फिनिशर।
यार मुझे लगता है कि ओमनी मैन से आज मुझे लगता है वेनम डर गए बुरी तरीके से। किक आउट करेंगे, बचा लिया भैया, अभी बचा लिया स्टोन कोल्ड सर ने बचा लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि रैंडी और स्टोन कोल्ड सर रिंग के अंदर नहीं आ सकते, रोमन भी नहीं आ सकते। बाप रे बाप, तीन फिनिशर, एक सिग्नेचर खा चुका है ना वेनम। मेरे हिसाब से दो फिनिशर और एक गया, गया वेनम गया मैच से। ओमनी मैन ने भाई वेनम का एलिमिनेशन कर दिया स्पेयर, बहुत अच्छा। यहाँ पर ट्राइबल चीफ ने बड़ा अच्छा काम किया, दोनों ही टीमों से अब एक एक सुपरस्टार मैच से एलिमिनेट हो चुका है। अच्छा, बिग डॉग ने बचा लिया ट्राइबल चीफ के काउंट होने को, बिग डॉग ने बचा लिया पिनफॉल, सॉरी। अच्छा, ओमनी मैन के पास अभी कोई फिनिशर सिग्नेचर नहीं है, तो रोमन मुझे लगता है कि ओमनी मैन का एलिमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि अपने ट्राइबल चीफ के पास दो फिनिशर हैं। तो इस दो फिनिशर में कम से कम ओमनी मैन का एलिमिनेशन कर सकते हो रोमन, अभी आपके पास चांस बहुत अच्छा है, एलिमिनेशन कर सकते हैं ना रोमन। बहुत अच्छा, कॉर्नर से स्पेयर लगाने की क्या जरूरत है जब आपके पास रनिंग स्पेयर मैंने दे के रखा है। चलो भाई, वेनम भी मैच से जा चुके हैं, अब देखते हैं कि दोनों टीमों में से आज जीतेगा कौन भाई, क्योंकि दोनों ही टीमों में भी तीन तीन सुपरस्टार बचे हुए हैं और तीन तीन जो सुपरस्टार है ना बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार हैं ये। चलो भाई, स्टोन कोल्ड सर मुझे लगता है कि स्टनर पड़ने वाला है ओमनी मैन को, स्टनर ओमनी मैन, ओमनी मैन को स्टन लगा के स्टन करना पड़ेगा, स्टनर है। अरे रिवर्स कर दिया क्या स्टोन कोल्ड सर का, नहीं नहीं। अच्छा, स्टोन कोल्ड सर को टूके ने सुपर फिनिशर नहीं देके रखा है वैसे। अरे सुपर फिनिशर में स्टोन कोल्ड सर लगाते क्या, स्टनर जो लगाते ना कुछ ना कुछ तो दे सकते थे यार। स्टोन कोल्ड सर तो अपने लेजेंड सुपरस्टार हैं, तो टूके ने कम से कम इतना ख्याल तो रखना चाहिए था कि सारे लेजेंड सुपरस्टार्स को कुछ ना कुछ करके लगा देना चाहिए था सुपर फिनिशर। अच्छा, रिवर्स कर दिया बिग डॉग का स्पेयर, किक आउट कर दिया बिग डॉग ने। देखो दोनों टीमों में से एक एक सुपरस्टार एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ ना दोनों की दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त मैच खेल सकती हैं। अभी तो मात्र 7 ही मिनट का मैच हुआ है ना, किक आउट करेंगे स्टोन कोल्ड सर। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि कोडी रोड्स इतने जल्दी कैसे एलिमिनेट होकर चले गए मैच से, जबकि कोडी रोड्स ऐसे वैसे लुल सुपरस्टार तो है नहीं कि इतने जल्दी मैच से एलिमिनेट हो जाएंगे। लगा दिया स्पीयर। देखो देखा जाए तो मेरी टीम बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, यानी कि हील वाली टीम बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। मेरी टीम कहाँ से यार, वेनम की टीम बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अभी बिग डॉग क्या कर रहे, बिग डॉग क्या कर रहे हो यार, अभी पब्लिक को अपने स्टंट दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टोन कोल्ड सर को एलिमिनेट करने की जरूरत है। बहुत अच्छा क्लोज लाइन मारी है ना। अभी देखो बिग डॉग के पास कुछ है, बिग डॉग के पास दो फिनिशर है यार, बिग डॉग के पास तो इन दो फिनिशर में स्टोन कोल्ड सर का तो कम से कम एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन बनता है, एलिमिनेशन बनता है रोमन, एलिमिनेशन लगाना है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास ग्लिटी नहीं, स्टोन कोल्ड सर को दो फिनिशर लगा दिए। अच्छा, अपने स्टंट मीटर ऑन कर लिया क्या, स्टंट मीटर घटाने वाला 3 भाई, क्या फायदा हुआ जब मैच से एलिमिनेट ही होना था, तो फायदा क्या हुआ बताओ। मुझे लगता है कि एक और फिनिशर लगने वाला है, लेकिन मुझे लगता है बिग डॉग पहले रैंडी ऑर्टन को कुछ नीचे मारना चाह रहे हैं। रैंडी की कमर गई भाई, देखो रैंडी ऑर्टन के पास सुपर फिनिशर हैं लेकिन रैंडी के पास हेल्थ नहीं है अब। लेकिन रैंडी चाहे तो बिग डॉग को नीचे भी सुपर फिनिशर लगा के ना मैच से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो टीम फेस अभी तो बहुत ज़बरदस्त कर रही है, अभी मात्र तो ट्राइबल चीफ और वाइपर मैच में बचे हुए हैं ना, तो वाइपर के पास लेकिन सुपर फिनिशर है, तो कम से कम सुपर फिनिशर में तो बिग डॉग का एलिमिनेशन होना चाहिए। रोमन क्या कर, अरे यार बिग डॉग की यही सबसे बड़ी गलती है पता है, ट्राइबल चीफ के ऊपर फोकस नहीं करना है, रैंडी के ऊपर फोकस करो, रैंडी ऑर्टन के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, बिग डॉग स्पेयर, रैंडी का भी एलिमिनेशन कर दिया। अब टीम वेनम से मात्र ट्राइबल चीफ बचे हुए हैं, अब मुझे लगता है कि अपने बिग डॉग अब ट्राइबल चीफ का भी एलिमिनेशन करेंगे आज। कहा मुझे लग रहा था कि ये मैच 10 या 12 मिनट का कम से कम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मैच तो आज 8 या 9 मिनट का ही होने वाला है। लगा दी सुसाइड डाइव। अब रोमन के पास भी देखो तो आप लोग हेल्थ ज़्यादा बची हुई नहीं है, क्योंकि देखो पिनफॉल से अगर आप लोग मान सकते हो सकता है कि ट्राइबल चीफ का एलिमिनेशन बिग डॉग ना करवा पाए, लेकिन हाँ भाई नॉकआउट से तो करवा ही सकते हैं ना मैच में, क्योंकि मैंने नॉकआउट भी ऑन करके रखी। ये क्या हो गया बिग डॉग को, बिग डॉग नाचने क्यों लगे। अब देखो पूरी की पूरी टीम को अकेले एलिमिनेट करना ट्राइबल चीफ की बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी ओमनी मैन भी बचे हुए हैं, सीना भी बचे हुए हैं और ऊपर से बिग डॉग तो है ही। बिग डॉग स्पेयर, लेकिन एलिमिनेशन नहीं हुआ ना बिग डॉग का। चलो कोशिश तो करिए रोमन ने, बहुत अच्छे, अभी भी दो फिनिशर हैं, अब तो ट्राइबल चीफ के पास अभी भी दो फिनिशर हैं, तो बिग डॉग का एलिमिनेशन कर सकते हैं। रेजिडेंस का इस्तेमाल तो ओमनी मैन के आने से पहले ही कर दिया बिग डॉग ने, बहुत अच्छा। अभी मुझे लगता है कि बिग डॉग का एलिमिनेशन हो जाएगा अगर इसको स्पेयर को रिवर्स ना किया तो। स्पेयर, बिग डॉग का एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ यार। अभी सीना आके बचा लेंगे भाई, अपनी टीम के सुपरस्टार को तो बचाना ही है सीना ने। रोमन देखो सीना के ऊपर स्पेयर का इस्तेमाल मत करना ठीक है, क्योंकि सीना नहीं है लीगल सुपरस्टार। सीना बाहर चलो, रिंग के बाहर चलो। सीना क्या कर रहे हो रोमन, क्या करो, बिग डॉग के ऊपर फोकस करना, बिग डॉग है लीगल सुपरस्टार।
देखो ट्राइबल चीफ चाहे तो पूरी टीम को अकेले एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग से खेलना पड़ेगा इस गेम को। सीना को टैग दे दिया, तो क्या कर रहे, स्पेयर लगाने की तैयारी कर रहे थे क्या? रोमन स्पेयर लगा सकते हो, स्पेयर लगा दिया था सीना, क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की? बिग डॉग के पास यहाँ पर गिलिटिन नहीं है क्या? गिलिटिन नहीं है यार रोमन के पास। अच्छा रोमन ऐसे भी स्पेयर लगा सकते थे, लगा दिया एटीट्यूड एडजस्टमेंट। अभी तो पिनफॉल नहीं होगा क्योंकि किकआउट कर लेंगे रोमन, किकआउट कर दिया। लेकिन अभी अपने ट्राइबल चीफ के पास एक रेजिलेंस है और एक फिनिशर है, तो इसमें कुछ तो करना चाहिए। रोमन रिवर्स कर देते यार, मुझे लगता है कि बिग डॉग गए, अरे ट्राइबल चीफ भी गए मैच से। अरे यार मुझे लगा था कि आज के इस मैच को ना वेनम की टीम जीतेगी, लेकिन नहीं भाई, आज के इस टीम को तो ओमनी मैन की टीम ने जीता है, यानी कि टीम फेस टीम हील से ज्यादा जबरदस्त है। तो चलो फिर दोस्तों, हमारा जो आज का ये मैच है वो यहीं तक। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, ठीक है? तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो, टाटा बाय बाय।